हेलो फूडीज़, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ करिश्मा, मेरे चैनल स्नैक्टरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये और बहुत ही टेस्टी। जो आप बाहर खाते हैं वैसा ही ये घर में बनेगा और बहुत ही आसानी से आप। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर जिसको मैंने क्यूब में काट लिया है, दो बड़े टमाटर जिसे मैंने प्यूरी कर ली है, आधा कप दूध लगभग 100 ml, दो मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने बड़ा काट लिया है, 3 मिर्च, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 10 से 15 काजू। प्याज, मिर्च और काजू, इन तीनों का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून तेल, आप घी भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप दही, दही फ्रेश लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा नहीं। फिर तो यहाँ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मलाई, जो आपकी दूध के ऊपर जो घर की मलाई होती है वही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने लिया 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और यहाँ 3 इलायची ली है, हरी इलायची और 1 बड़ी काली इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 से 2 मीडियम साइज़ के तेज पत्ते, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून शाहजीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे बनाते हैं। नॉनस्टिक का पैन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे तेल और सारे खड़े गरम मसाले। इसे 4 से 5 सेकंड के लिए हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये जो गरम मसाले का फ्लेवर है तेल में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, काजू और मिर्ची का जो पेस्ट हमने बनाया था, इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पीस लिया था। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये प्याज और ये मसाले का कलर थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता, और आपको इसे बीच बीच में चलाना है ताकि ये नीचे लगे ना। भले ही हम नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं बट इसमें काजू हमने ऐड किए हैं जो नीचे चिपक सकते हैं, उसकी वजह से हम इसे हिलाते रहेंगे। तो इसे अब मैंने 3 से 4 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भूनना है जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता, इसकी जो स्मेल होती है कच्ची वो नहीं निकल जाती, तब तक इसे हम अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाले का पाउडर और नमक, और इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे कुछ सेकेंड तक, लगभग 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। ये हो गया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, और टमाटर की प्यूरी को भी अच्छे से मिक्स करके हम इसे पकने देंगे। तो आप इसे पकने दे सकते हैं ढककर, या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल नहीं दिखे साइड में। लगभग 3 से 4 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं इसके साइड में तेल दिखने लगा है, और ये हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे दही और हम इसमें क्रीम भी ऐड कर देंगे इसी टाइम, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसे ढक देंगे और कुछ मिनटों तक पकने देंगे, लगभग 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। वाव, देखिए ऐसा ही ऊपर तेल आना चाहिए, इसका मतलब ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारे पनीर के टुकड़े, जिससे जो मसाला है वो भी पनीर में अच्छे से सोख हो जाए। और पनीर हम ऐसे ही डालेंगे, पनीर को हमने फ्राई नहीं किया है। शाही पनीर में पनीर जो होता है उसे फ्राई नहीं करते, उसे डायरेक्टली डालते हैं। पनीर को मिक्स करने के बाद फिर 1 मिनट तक इसे हम ढक देंगे ताकि ये भी अच्छे से इसमें पक जाए। 1 मिनट बाद चेक कर लेंगे। वाव, ये हो गया है बहुत ही अच्छे से। इसे मैं हिला कर देखती हूँ, देखिए पनीर भी अच्छे से पक गया है। अब आपको इसकी थिकनेस डिसाइड करनी है। अगर आपको इसे गाढ़ा रखना है तो आप इधर ही छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें मिक्स करेंगे दूध। तो ये शाही पनीर है, इसमें दूध ही जाता है, बट अगर आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हैं। दूध डालते वक्त आपको ये याद रखना है कि आप इसे चलाते रहेंगे,
जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता। अब इसे ढककर 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये मैं खोल के देखती हूँ, वाव देखिए कितना बढ़िया इस पे तेल आया है और ये बहुत ही अच्छे से पक गया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये रेडी हो गया है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और करते हैं इसे सर्व। वाव कितना बढ़िया लग रहा है ये, गर्मा गर्म और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। अगर मैं आपको स्मेल करा पाती तो ज़रूर कराती, बहुत ही यम्मी लग रहा है ये। आ गया ना आपके भी मुंह में पानी से देख, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बन जाता है ये। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप सर्व कर सकते हैं पराठों और नान के साथ, या जीरा राइस के साथ, या नॉर्मल राइस के साथ भी, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ऐसी ही यमी टेस्टी ईजी रेसिपीज़ के लिए द स्नैक ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के बेल पे ज़रूर दबाएं, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्नैक ट्रे, बाय बाय।